हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑब्जेक्ट हैंडलिंग। इसमें अभी तक हमने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर में डिस्कस किया था कि जितने भी ऑब्जेक्शंस आते हैं कस्टमर की तरफ से, आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आज पार्ट फाइव में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक ऑब्जेक्शन आता होगा कि मैं अपनी वाइफ से डिस्कस करके ही इंश्योरेंस लूँगा, तो आपको क्या रिप्लाई देना है? सबसे पहले आपको उनसे कहना है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप अपनी पत्नी के साथ एक पॉलिसी को डिस्कस करना चाहते हैं। आप अपनी वाइफ को अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में शामिल करते हैं, ये रियली एक बहुत ही अप्रिशिएबल बात है, क्योंकि वाइफ ही है जो आपके सुख और दुख में आपका साथ देती है। पर आपको क्या लगता है कि अगर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड अपनी वाइफ से डिस्कस करेंगे तो वो क्या कहेगी कि आप बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सेविंग मत करिए, उनकी शादी के लिए सेविंग मत करिए, या अच्छी पढ़ाई के लिए, या अपने परिवार के लिए सेविंग मत करिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा ना। कोई भी समझदार वाइफ हो, वो अपने पति से कभी ऐसी बातें नहीं कहेंगी कि बच्चों के भविष्य के लिए सेविंग मत करिए। तो फिर भी अगर आप अपने वाइफ से डिस्कस करना चाहते हैं तो पहले चलिए कुछ पेपर वर्क पूरा कर लेते हैं, और तो आप आगे अपनी वाइफ से इस पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद अपने कस्टमर से कहिए कि अगर वाइफ के साथ डिस्कस करने के बाद भी उन्हें पॉलिसी नहीं पसंद आती है तो उनके पास 15 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है, जिस पीरियड के अंदर वो पॉलिसी को वापस करा सकते हैं और उनको पूरा अमाउंट रिटर्न हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि इस टाइप के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।